86 साल की उम्र अमूमन बुजुर्गों के लिए नाती पोतों को खिलाने की होती है, लेकिन शूटर दादी इस उम्र में धड़ाधड़ निशाना लगा रही हैं। संभवतः विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज चंद्रो देवी तमाम लोगों के लिए कौतुक का विषय है, बल्कि जिंदा दिली की मिसाल भी बन गई हैं। कौन है ये चंद्रो और कैसे बनी है ये शूटर दादी? कहते हैं कि अगर कोई काम करने का जज्बा किसी इंसान के अंदर हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और समाज की लाख बंदिशों के बाद भी उसे रोक पाना नामुमकिन होता है। जी हाँ, हम ऐसी एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। आज जहाँ लोग सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं, हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में एक बुजुर्ग महिला उन लोगों के लिए एक मिसाल बनी है जो लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर खुद ही हार मान लेते हैं। लेकिन बागपत की 86 साल की बुजुर्ग महिला देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रही है, और उनके इस हौसले को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर पिछले काफी अरसे से चली आ रही पर्दा प्रथा व अन्य बंदिशों के फरमान को दरकिनार करते हुए एक बुजुर्ग महिला ने उन लोगों को आईना दिखाया है जो लोग पुरानी प्रथाओं के चलते कुछ अच्छा काम करने की सोचते भी नहीं है, और इतना ही नहीं उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर दम भी तोड़ देते हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है जो कि पश्चिमी यूपी में समाज की बंदिशों के सामने घर की दहलीज पर ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन बागपत के जाट बाहुल गांव की रहने वाली 86 साल की दादी चंद्रो की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिन्होंने समाज की बंदिशों को दरकिनार कर अपने बूते पर देश ही नहीं विदेशों में भी बागपत जिले का नाम रोशन किया है, और अभी उम्र के आखिरी पड़ाव पर देश व पूरी दुनिया का नाम रोशन करने का सपना संजोए हैं। दादी चंद्रो मुजफ्फरनगर जिले मुखलामपुर गांव की बेटी हैं। दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर बागपत जिले के जौहरी गांव की बहू हैं। आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव की गिनती पिछड़े गांव में की जाती है। सुविधाओं के नाम पर गांव में न तो अस्पताल है और न ही कॉलेज। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये गांव पिछड़ा हुआ है। घर की महिलाएं चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती थीं। ऐसे समय में दादी चंद्रो गांव में खुलकर शूटिंग रेंज में तमाशा दिखाने ले गई, और आज वही तमाशा देखने के लिए पूरे भारत के लोग जोहड़ी आते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जोहड़ी गांव की रहने वाली दादी चंद्रो एक किसान परिवार से हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से ही महिलाओं और लड़कियों पर तरह तरह की पाबंदियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिसके चलते दादी चंद्रो अपनी पोती शेफाली को निशानेबाजी सिखाने के लिए उसके साथ डॉक्टर राजपाल की जोहड़ी गांव के शूटिंग रेंज पर उसके साथ जाया करती थी, और दादी ने भी एक दिन वहां रखी पिस्तौल से निशाना लगाया तो उसे देखकर सब अचंभित रह गए। दादी ने पिस्तौल से टारगेट को भेद दिया, जिसके बाद सभी ने दादी के निशाने की काफी सराहना की। दादी के मन में भी कुछ कर गुजरने की आई। दादी समाज की बंदिशों को छोड़कर निशानेबाज दादी बन गईं, और दादी ने 2002 से ही देश और विदेश में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेकर सबके छक्के छुड़ा दिए, जिसके चलते दादी को आज शार्प शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, दादी की काबिलियत के चलते उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मानित कर चुके हैं। क ख ग जानने वाली दादी चंद्रो अब विदेशियों के छक्के छुड़ाकर अंग्रेजी भी खूब जानती हैं। फिलहाल महिलाओं के लिए मिसाल बनी दादी अब युवाओं को निशानेबाजी के गुर सिखाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।